वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, साडे चैनल अनमोल साखियां विच तुहाडा स्वागत है। साडी अज दी साखी दा विशा है नाम दी महिमा, उस परमात्मा दे नाम दी महिमा। यह साखी एंड तक पूरी देखियो, वधिया लगी तो लाइक शेयर सबसक्राइबर जरूर करियो। द्वारका विखे एक समय कृष्ण जी दिया सब राणिया ने नारद जी नू कहा कि सानू यह वार देवो जिस नाल असानू हर जन्म विखे कृष्ण पति ही प्राप्त होवे। ता नारद जी ने कहा, जो वस्तु पुन करिए सोई वस्तु फलदी है, इसलिए तुसी कृष्ण जी नू पुन करके मैनू दे देवो, ता तुहानू अगले जन्म विच कृष्ण पति ही प्राप्त होवेगा। उन्हां राणियां ने उस वेले कृष्ण जी नू संकल्प कर दिता। ता नारद जी कृष्ण जी नू हाथ पकड़ के लै गए। ता सब राणियां ने कहा कि हे नारद, असी ता सारे जन्मां विच ही कृष्ण पति नू चाहुंदियां सी, तू ता साडे कोलों इस जन्म विच ही कृष्ण जी नू विछोड़न लगा है। नारद जी ने कहा कि कृष्ण दे बदले मैनू तन दे देवो, मैं कृष्ण जी नू छड जावांगा। ता राणिया ने एक तकड़ी दे छाबे विच श्री कृष्ण जी नू बिठाया अते दूजे छाबे विच सारी द्वारकापुरी दा धन पदार्थ अपने गहने भी ला के पा दिते। परंतु फिर भी धन वाला छाबा उच्चा रहा अते कृष्ण जी वाला छाबा नीवा रहा, क्योंकि भगवान ने कौतक करन विच अपने आप नू भारा बना लिया सी। फिर नारद कृष्ण जी नू लै तुरिया अते राणिया ने व्याकुल हो के कृष्ण जी अगे बेनती कीती कि तुसी कोई उपाय दसो। ता कृष्ण जी ने कहा, मेरे तो मेरा नाम भारा है। ता राणिया ने तुलसी दे पत्र उत्ते नाम लिख के पिछले छाबे विच पाया, ता नाम वाला छाबा नीवा हो गया ते कृष्ण जी वाला छाबा उपर चला गया। सो नारद नाम लै के चला गया ते कहन लगा, मैनू नाम ही चाहिदा सी, भाव सब तो उच्चा परमेश्वर है, पर उस दे उपर उसका नाम उच्चा है।